पहाड़ों को सफर करते हुए दिन में ही दिख गया है। ये देखिए आप, ओह माय गॉड कितना खतरनाक है ये। आप देख सकते हैं जंगली बिल्कुल जबरदस्त है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसी क्लिप्स जो कि रात के समय या फिर दिन के समय पहाड़ों को सफर करते हुए बाघ देखे गए हैं या कहें लेपर्ड। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। दोस्तों यह वीडियो रात में शूट किया गया है जो कि भीमताल के आसपास का बताया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं बाघ किस तरीके से यहाँ पर अपनी आवाज़ निकालता है, देखिए, और ये वीडियो भी देखिए। इस वाली क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे बिना डरे रोड किनारे किनारे चल रहा है यह लेपर्ड। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर कार ना हो, बाइक हो तो वाट ही लग जाए। देखिए कैसे चल रहा है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से, कोई डर परवाह नहीं है। रात को पहाड़ों में जितना मज़ा सफ़र करने में आता है उतना ही है जंगली जानवर देखने में भी आता है। आप देख सकते हैं हमने कई सारी क्लिप यहाँ पर एक साथ लिए हैं और इनमें आपको हम काफ़ी सारे लेपर्ड दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कितना मज़ा आता है जब ये दिखते हैं। अगर कार पर ना हो तो बड़ी दिक्कत है, तो परेशानी वाली बात है। इनके दिखने से रात का सफ़र बहुत ही रोमांचक हो जाता है। आप देख ही सकते हैं क्लिप देखने में ही इतना मज़ा आ रहा है तो सामने देखने में कितना मज़ा आता होगा, लेकिन उतना ही यार डेंजरस भी है दोस्तों। अगर आप कार पर ना हो और बाइक से अगर सफ़र कर रहे हो तो यह बहुत डेंजरस हो सकता है। यही नहीं, यहाँ पर पहले तो इतने सारे बाघ या लेपर्ड कहें तो दिखते नहीं थे, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा दिखने लगे हैं क्योंकि इनकी तादाद भी बढ़ चुकी है। इसकी मेन वजह है कि जंगलों में आग का लगना, आग के लगने से छोटे जानवर काफ़ी सारे मर जाते हैं, जिस वजह से बाद में लेपर्ड या फिर अन्य जीवों को एक दूसरे को खाने के लिए मिलते नहीं हैं, तो इससे परेशान होकर लेपर्ड भी गांव की तरफ रुख करते हैं, जहां ये कुत्ते बिल्ली या फिर हम बोले तो बकरी हमारे पालतू जानवर जो भी हैं उनको खाने के चक्कर में ये लोग गांव में आ जाते हैं, जिस वजह से इनको देखा जाता है आजकल बहुत ही ज़्यादा। जंगलों में पेड़ों का कटना और जंगलों का कम हो जाना भी इसकी वजह हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जंगली जानवर जो भी हैं वो फिर गाँव की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको फिर जंगल के एरिया का पता ही नहीं रहता। इसलिए हमें जंगलों का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करना चाहिए। सरकार भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है अपने हिसाब से, तो सरकार भी अब पूरी कोशिश कर रही है कि जंगलों को बचाया जाए और जंगली जानवरों को सेव करा जाए। तो इस क्लिप में आप देख रहे हैं यह बाघ रात के समय, देखिए कैसे दीवार के ऊपर बैठा है, यह भी रात का सफ़र रोमांचक बना देता है जब भी ऐसे जानवर दिखते हैं। पहाड़ों को सफ़र करते हुए हमने देखा एक यह तेंदुआ जिसे लेपर्ड कहते हैं और यहाँ लोकल भाषा में बाघ भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त और भयानक दिख रहा है यह जंगली जानवर है, खुलेआम घूमता हुआ रोड किनारे है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। जब कोई जंगली जानवर नरभक्षी हो जाता है तो सरकार द्वारा उसके लिए पिंजरा लगाया जाता है और उसको कैद करा जाता है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं एक नरभक्षी बाघ को कैद कर लिया गया है इस जाल पे, इस पिंजरे में। अब इसको यहाँ पर जू में भेजा जाएगा या फिर कहीं जंगल में छोड़ दिया जाएगा। दूसरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए इस वीडियो को, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों आप भी कभी रात के सफ़र में निकल लिए पहाड़ की तरफ और इस रोमांचक सफ़र का मज़ा लीजिए, हो सकता है आपको भी ऐसे जंगली जानवर देखने को मिल जाएं या फिर दिन में ही आपको देखने को मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का